क्या आप जानते हैं थ्रो टू और थ्रो एट में क्या फर्क है, यानी आपको कब बोलना चाहिए थ्रो टू और कब आपको बोलना चाहिए थ्रो एट। जैसा कि आप जानते हैं थ्रो मीन्स फेंकना, लेकिन जब वर्ड थ्रो का इस्तेमाल करते हैं तो इस वर्ड का दो सेंस होता है। पहला, जब हम कोई चीज किसी के ऊपर गुस्से से फेंकते हैं, जैसे आप किसी स्टेज शो पर देखे होंगे, जब पब्लिक को कोई बात पसंद नहीं आती है तो वह उस लीडर पर या सिंगर पर जूते, चप्पल या बोतल फेंकते हैं। और दूसरी बार हम वर्ड थ्रो का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी को कोई सामान फेंक कर देते हैं, जैसे कई बार आप क्रिकेट में देखे होंगे कि गेंद फेंक कर दिया जाता है, या कई बार आप कुछ काम करने वालों को देखे होंगे जहां एक आदमी दूसरे आदमी को कोई सामान फेंक कर देता है। तो फेंकने के ये दो सूरत है। इन्हीं दोनों कंडीशन को बताने के लिए हम थ्रो के साथ प्रेपोजिशन एट और टू का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखें कब आपको बोलना चाहिए एट और कब आपको बोलना चाहिए टू। थ्रो के साथ हम एट का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम कोई चीज किसी इंसान के ऊपर गुस्से से फेंकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपको कहना हो लोग नेता के ऊपर अंडे फेंके, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे पीपल थ्रू एग्स एट द लीडर, यानी लोग नेता के ऊपर अंडे फेंके। यहाँ मैंने प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ मैं बताना चाहता हूँ वे लोग गुस्से में या अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए उस नेता के ऊपर अंडे फेंके। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि यहाँ थ्रो की जगह पर मैंने बोला थ्रू क्योंकि मेरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और जैसा कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा थ्रू। अगर आपको कहना हो वे लोग उस सिंगर पर जूते और बोतल फेंकना शुरू कर दिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दे स्टार्टेड थ्रोइंग शूज एंड बॉटल्स एट द सिंगर, यानी वे लोग गुस्से में उस सिंगर पर जूते और बॉटल्स फेंकना शुरू कर दिए। यहाँ आपने देखा कि मैंने प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल किया क्योंकि मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि वे लोग गुस्सा दिखाने के लिए फेंके। अगर हम बात प्रेपोजिशन टू की करें, यानी थ्रो टू की करें, तो थ्रो टू का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप नॉर्मल तरीके से किसी इंसान को कोई सामान फेंक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपको कहना हो फील्डर कीपर को गेंद फेंका, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द फील्डर थ्रू बॉल टू द कीपर, यानी फील्डर ने कीपर को बॉल फेंका। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पर प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ मेरे कहने का ये सेंस नहीं कि वह गुस्सा दिखाने के लिए फेंका या वह गुस्से में फेंका, बल्कि मेरा सेंस ये है कि वह नॉर्मल तरीके से फेंका। अगर आपको कहना हो वह मेरी तरफ एक कलम फेंकी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी थ्रू अ पेन टू मी, यानी वह मेरी तरफ एक कलम फेंकी। यहाँ मैंने बोला टू, तो इस सेंटेंस का सेंस है जैसा कि मेरे पास कलम नहीं था और मैंने उससे मांगा तो वह कलम फेंक कर मुझको दी। यहाँ मेरे सेंटेंस का ये सेंस नहीं कि वह गुस्से में कलम फेंकी, बल्कि मेरे सेंटेंस का ये सेंस है कि वह नॉर्मल तरीके से कलम को फेंक कर दी। जैसा कि आप अक्सर क्लासरूम में देखते हैं कि अगर आपका दोस्त कुछ दूरी पर बैठा है, तो अगर आपको रबड़ या कलम लेना देना होता है तो आप फेंक कर लेते या देते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात शानदार तरीके से समझ में आया कि थ्रो टू और थ्रो एट में क्या फर्क है। अगर वाकई आपने इस कॉन्सेप्ट को शानदार तरीके से सीखा, तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।